तो दोस्तों आज मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एड्स आ रही थी। पहले 5-7 एड्स आई, मैंने स्किप कर दी, देन एक और ऐड आ गई, मतलब कि 10 ऐड आ चुकी थी। और मैंने देखा कि चल क्या रहा है वहाँ पर। लोग कह रहे थे कि आपको 500 रुपये में आपको ब्लू टिक मिलेगी, वो भी लाइफ टाइम। तो मुझे पता था ये सब फ्रॉड है, क्योंकि 500 रुपये तो इम्पॉसिबल है, आपको 20,000 में नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने देखा सीन चली जा रहा था, तो मेरे को गुस्सा आया कि यार ये फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा एड्स आ रही है तो पता तो करना चाहिए क्या चल रहा है। तो मैंने उनको DM किया, जैसे मैंने उनको मैसेज भेजा तो उनका रिप्लाई साथ ही आ गया, हाँ हम ब्लू टिक दे देंगे आपको, 500 रुपये जो है आपको पे करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही 500 रुपया, मैंने सोचा यार ऐसे कैसे पे कर दूँ, ठीक है तो फ्रॉड है मुझे पता है, बट 500 रुपये में अगर मैंने भेज दिए तो इन्होंने ब्लॉक कर देना है। तो मैंने क्या किया, मैं उनके साथ बात करता गया आगे आगे, मतलब बातें बनाता गया, ठीक है। मैंने 1 घंटा उनका दिमाग खाया और मैंने कहा भाई ऐसे मैं पेमेंट कैसे करूँ, ऐसे आजकल लोग फेक फ्रॉड बहुत कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे प्रूफ भेज दिए, प्रूफ भेजे जो कि स्क्रीनशॉट से, लोगों की जो प्रोफाइल थी वो भी वेरीफाई थी, ऐसा नहीं था वेरीफाई नहीं था, 5-6 स्क्रीनशॉट भेजे, उन सबकी जो प्रोफाइल वेरीफाई थी। तो मुझे पता था जिनकी ये स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं उन सभी ने मीटर जो है सब्सक्रिप्शन बाय की हुई है, तो मुझे पता चला गया था, ठीक है। तो मैं उनका मतलब मज़ा लेता गया, मैंने देखा कि भाई देखते हैं और क्या कहता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम सिर्फ 500 रुपये में हमारा इंस्टाग्राम वालों के साथ जो है सर्वर के साथ कनेक्ट है, हम आपको इजीली जो है ब्लू टिक दिलवा देंगे, जस्ट आपको 500 रुपये पे करना होगा, 500 तो खराब जाएगा, ऐसा करता हूँ। मैंने 500 रुपये कल भेजे थे किसी को, मैंने उसको एडिट किया भेज दिया, उसने पेमेंट का चेक नहीं किया। अगर कोई ऑफिशियल बंदा होता तो सबसे पहले पेमेंट देखता, ठीक है। मैंने उसका एडिट करके स्क्रीनशॉट भेज दिया। तो उसके बाद क्या चला, सीन चलता गया, तो उसका मैसेज आया भाई अब आपको 40 और 45 मिनट के बीच में आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। मुझे लगा ब्लॉक कर देगा, उसने ब्लॉक नहीं किया। उसके बाद क्या सीन चला, मेरे को एक उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा कि भाई इंस्टाग्राम वालों ने हमें ईमेल किया है कि आपकी जो प्रोफाइल वेरीफाई हो गई है, जस्ट आपको 2,000 पे करना होगा जस्ट फॉर वेरीफिकेशन, ठीक है। तो मैंने देखा यार ये तो और पैसे निकाल रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं भाई अब 2,000 मैं क्यों दूं, आपने तो 500 कहा था। तो वो कह रहा था कि नहीं जी सिर्फ और सिर्फ 2,000 आपको पे करना होगा, आपको 2 या 3 मिनट में आपको रिफंड हो जाएगा। तो मैंने कहा जी खुद आप पे कर दो, कहता नहीं आपने जो पे करना है, जब मैंने किया जी नहीं होगा, ठीक है। अगेन मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिए, स्क्रीनशॉट जैसे ही भेजा तो उसके बाद क्या हुआ आप सोचोगे नहीं, उसका मुझे मैसेज आया कि भाई आपकी जो इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लग गई है, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश किया, मैंने मीटर वेरिफिकेशन का जो है सब्सक्रिप्शन लिया था, तो मैंने देखा हाँ ब्लू टिक तो मेरे ऑलरेडी लगी हुई है। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने कहा भाई मुझे कोई प्रूफ दे, वो कह रहे प्रूफ नहीं है, ठीक है। वो कह रहे आप देख लो जाकर ब्लू टिक लगी हुई है। मैंने कहा यार सब्सक्रिप्शन लिया ब्लू टिक तो लगी होगी, मेरे को ना कोई मैसेज आया, मेरे को ना कुछ और दिखा रहा है, जहाँ मेरे को मतलब कोई भी मतलब अगर आप कोई भी इंस्टाग्राम पर वेरिफिकेशन के लिए भेजते तो आपके इंस्टाग्राम वाले खुद आपको एक मैसेज भेज के कि आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होगी या आपकी प्रोफाइल जो है वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है। ना मेरे को ईमेल आया, ना इंस्टाग्राम वाले ऐप के बीच में कुछ आया। तो ठीक है सीन चलता गया। फिर उसने मुझे क्या कहा भाई अगर आपके शो नहीं हो रही है तब आप क्या करो, आप मेरे को ID पासवर्ड भेज दो अपने अकाउंट का। तो मैं समझ गया था, मैंने कहा सीन कुछ और ही पकड़ा है, ठीक है। तो ID पासवर्ड कैसे भेजता मैं, तो मैंने क्या किया ID भेज दी, ID तो उसके पास ऑलरेडी थी, मैंने फिर ID भेज दी। वो कह रहा था भाई ये तो ID है पासवर्ड भी दो। तो टाइम बीतता गया, ठीक है, मैंने पासवर्ड तो नहीं दिया बट मैं और बातें करता गया, भाई यार मैंने ट्रस्ट किया था ऐसे उसे, ठीक है, मेरे से पैसे निकलवा रहे हो, मैं बहुत मतलब उसके साथ दिमाग खाया उसका, ठीक है। एट द एंड उसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। मतलब पहले 500 निकाला, फिर 2,000 निकाला, मतलब मैंने तो चलो नहीं दिया बट अगर कोई अननोन होता उनको पे कर देता। उसके बाद वो कह रहा है अब ID पासवर्ड भी दो, मतलब कितना दिमाग यार ये लेकर आ रहे हैं स्कैमर्स हैकर्स, ठीक है, इतना ज़्यादा दिमाग लेकर आ रहे हैं। अब मैं बताता हूँ जो दोस्तों सीन चल कैसे रहा था। सबसे पहले जब आप एक अकाउंट बनाते हैं अपना, ठीक है, उसके बाद उसको मीटा वेरीफाई जो मिलता है सब्सक्रिप्शन 699 रुपीज़ का मंथली, उसको बाय कर लेते हैं, उनको ब्लू टिक मिल गई, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे अपनी प्रोफाइल जो है उसको एडिट कर देंगे, जो कि मीटा वेरीफाई उठा लेगा, बट एडिट इस ऐसे करेंगे कि हमें मतलब हमारी जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाए, जो कि इंस्टाग्राम वाले उठा ले वेरीफाई कर ले बट मेरी प्रोफाइल सेम मत दिखे, जो उनके साथ पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होगा ना, क्योंकि जब भी हम मीटा वेरीफिकेशन की सर्विस लेते हैं तो वहाँ पर हमें सबसे पहले अपना आधार कार्ड पैन कार्ड ऐसे कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जो कि उसमें नाम और आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सेम होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया
पहले अपनी जो है प्रोफाइल वो लगा दी, ठीक है, उसको एडिट करके ला दिया, बट सेम लग रही थी, बट बहुत डिफरेंस था दोनों में। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका जो है प्रोफाइल पे 5 फोटोज़ थी, उनमें 4 फोटोज़ जो थी उन सभी पे कमेंट्स ऑफ थे और एक फ़ोटोज़ पे 112 कमेंट थे। तो मैं देखकर शॉक हो गया भाई, अगर कोई अननोन बंदा आएगा वो यही कहेगा भाई इतने कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं तो बंदा में कुछ तो बात होगी, ठीक है। तो इतने ज़्यादा कमेंट्स देखे मैंने, मैं खुद हैरान रह गया, सभी के सभी कमेंट्स फेक थे, ठीक है। उसके जो है मीटा सब्सक्रिप्शन ली थी ब्लू टिक के लिए, मैंने देखा यार खुद तो इसने मीटा जो है ब्लू टिक ली हुई है, ये कैसे लोगों को दे रहा है, ठीक है। सो लोगों को कह रहा है कि हम परमानेंट देंगे। तो ऐसे दोस्तों जो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वाले ने अभी ऑफिशियली जो आपको मीटा सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जो कि 6.99 आपको मंथली पे करना होगा, देन आपको ब्लू टिक मिल जाती है, ठीक है। तो लोग इनका गलत फ़ायदा उठाकर अपने अकाउंट पे ब्लू टिक लगाने के बाद लोगों को परमानेंट के धोखे में फंसा कर उनसे पैसा निकलवा रहे हैं, पहले 500 फिर 1000 फिर 2000 लोग पे कर ही जा रहे हैं। दिन पर दिन दोस्तों स्कैम इंक्रीज हो रहा है। मैंने इस पे वीडियो नहीं डालनी थी, बट इंस्टाग्राम पर इतनी ज़्यादा दोस्तों ये स्कैम फास्ट हो रहा था कि वीडियो बनानी पड़ी मेरे को। अगर हम बात करें इनको पकड़ने की तो दोस्तों इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनका सब कुछ फेक होता है, प्रोफाइल फेक होती है, पेमेंट मेथड भी इनका फेक होता है। किसी के थ्रू जो अपने पेमेंट लेते हैं किसी अननोन के बंदे से, लाइक जैसे इन्होंने किसी का इंस्टाग्राम हैक कर लिया, ठीक है, जैसे किसी का पेटीएम हैक करने के बाद उनके थ्रू मतलब पैसे निकाल रहे हैं, मतलब इनका सब कुछ फेक होता है दोस्तों। दिन पर दिन स्कैम इतना बढ़ रहा है कि क्या ही बताऊँ दोस्तों आपको। आपको अवेयर रहना दोस्तों, ब्लू टिक को भूल जाइए, क्योंकि इतनी जो ब्लू टिक होती है आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको रियल ब्लू टिक चाहिए उसके लिए आपको 1 से 2 लाख पे करना होगा, उसके बाद भी इम्पॉसिबल हो ही जाता है कई बार कि आपको ब्लू टिक ना मिले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी बंदों को ही मिलती है, ठीक है। तो अवेयर रहे दोस्तों, ऐसे सब कुछ फेक बंदों से दूर रहें, और जो लोग एड्स रन करते हैं आप लोगों तक आते हैं और आपसे पैसा निकलवाते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जय दोस्तों आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो जाने को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।